आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर मेथी पुलाव। होप आप सबको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, मटर मेथी पुलाव बनाने के लिए 2 कप बासमती राइस मैंने सोख करके रखा हुआ है, 2 अनियन चॉप है, 3 से 4 आलू मैंने इस साइज़ के टुकड़ों में काट के रखा हुआ है, 1 कप मटर है, 2 टोमेटो मोटे डाइस में मैंने काटे हुए हैं, 1 कप मेथी है, कोरिएंडर लीव्स है, यहाँ पे चॉप गार्लिक है, चॉप जिंजर है, 2 चिली चॉप है, सूखे मसालों में रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, मेथी पुलाव मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो गया, इसमें 2 तेज पत्ता डालूंगी मैं और 1 टेबलस्पून जीरा डाला मैंने। फ्लेम को थोड़ा स्लो पे रखें। इसमें मैंने गार्लिक डाला, जिंजर डाला, ग्रीन चिली डाल दिया, साथ ही साथ मैं इसमें अनियन भी डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको हम भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको 2 मिनट तक भून लिया है, एकदम लाइट ब्राउन हुआ है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमें मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें पोटैटो डाल देंगे। अनियन के साथ हमें पोटैटो को भी 2 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू को भी अनियन के साथ लाइट ब्राउन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा अनियन के साथ आलू भी लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टोमेटो डाइस किया हुआ डालेंगे, मटर को भी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 1 मिनट मैंने पकाया है टमाटर को, मटर को। अब इसमें मैं सारे सूखे मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, हल्दी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हल्दी नहीं डालते, मतलब मैं नहीं डालती। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ और 1 मिनट तक लो फ्लेम में इसको भूनेंगे। ये देखिए, मैंने 1 मिनट तक इसको अच्छे से लो फ्लेम में भूना है सारे मसालों को, मटर आलू के साथ, टमाटर के साथ। देखिए कलर कितना अच्छा आया। अब इसमें हम मेथी 1 कप अच्छे से धो के चॉप करके रखा था वो डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से 1 मिनट भूनने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए लो फ्लेम में। अब इसमें जो सोख किया हुआ बासमती राइस है वो मिला देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को थोड़ा तेज करके। इसको अच्छे से मैंने 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में अच्छे से मिक्स किया है राइस को, सारे मसालों को। अब बस हम इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें छोटे 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ।
पानी डाल के हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक 80% पानी सूख ना जाए। फ्रेंड्स देखिए 80% पानी सूख गया है। यहाँ पे हम 1 टीस्पून भर के देसी घी डालेंगे और थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आँच को एकदम स्लो करके हम 8 से 10 मिनट सिम में पकने देंगे। फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट हो गए लो फ्लेम में पकते हुए। ये देखिए क्या खिले खिले पुलाव बने हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा मटर मेथी पुलाव बनके तैयार है। आप इसको रायते के साथ सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।